हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, मतलब भारतीय दंड संहिता। एंड आज उसमें हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड सेक्शन 1-5 तक पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 1 में कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसे भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं, पहले जान लीजिए इसका मीनिंग क्या है। मतलब इंडियन पिनल कोड, इन तीनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग क्या है। देखिए, इंडियन तो हो गया इंडिया, एंड हम कोड किसको बोलते हैं। कोड कोड उसको बोलते हैं जो लॉज अप्लाइड होते हैं एक पर्टिकुलर एरियाज में, मतलब जो कानून लागू होते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, वो होते हैं कोड। एंड पीनल क्या होता है। पीनल होता है, पीनल वर्ड रिलेट करता है पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंडर्स की, मतलब कि जो सज़ा है, मुजरिमों की सज़ा से रिलेट करता है पीनल वर्ड। तो इंडियन पिनल कोड का क्या क्या मतलब हुआ। इंडिया में जो ऑफेंडर्स की पनिशमेंट के लिए जो लॉज अप्लाई होते हैं, उसे हम इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। जो भारत में मुजरिमों की सज़ा के लिए जो कानून लागू होता है, उसे इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। वह हम इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए आप। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब द इंडियन पिनल, इसका फर्स्ट पॉइंट है, द इंडियन पिनल कोड इज़ द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल पनिशमेंट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दी जाती है इसमें। मतलब कोई दो तरह के क्राइम होते हैं, एक सिविल एंड एक क्रिमिनल। क्रिमिनल जैसे कि मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, एंड सिविल जो होते हैं जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना। तो इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट देता है। इसका सेकंड पॉइंट है, तो जो कोड है वो ड्राफ्ट किया गया था, मतलब जो इंडियन पिनल कोड है वो ड्राफ्ट, मतलब पास किया गया था, ड्राफ्टेड, मतलब एक पेपर टाइप डॉक्यूमेंट में, जैसे प्रिमिनलरी जो पेपर होता है उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो एक पेपर टाइप डॉक्यूमेंट में जो मतलब पास किया गया था, वो था डेट 6 अक्टूबर 1860, एंड ये फोर्स में आया 1862 जनवरी 1, 1862 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, और जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकले। इट स्टेट अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर इलीगल एक्ट एंड ओमिशन। देखिए, ये समझिए आप कि ये किस बारे में बताता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी आप जान लीजिए, आपका हमेशा लॉ में हमेशा यूज़ होगा लाइबिलिटी वर्ड। अगर आपको नहीं पता, लाइबिलिटी होता है जिम्मेदारी। अगर आप यूं ही जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सड़क पे अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर दें, आप तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर वो, मतलब दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक होती है सिविल, एक होती है क्रिमिनल। क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपको क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपका इंटेंशन ज़रूरी होता है, एंड उसमें क्या होता है, फाइन के साथ आपको जेल भी जाना पड़ता है। जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, ये होते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये आपकी जो लाइबिलिटी वर्ड है, उसका मतलब है हिंदी में जिम्मेदारी। तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अगर मर्डर कर रहे हैं किसी का, तो आप लाइफ इंप्रिजनमेंट, मतलब पूरी उम्र की कैद आपकी होगी, या फिर सेंटेंस टू डेथ, आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। या फिर अगर आप चोरी कर रहे हैं, थेफ्ट कर रहे हैं, 378 सेक्शन में है शायद, उसमें आपको 3 साल की आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, जो जिम्मेदारी आपको सजा काटनी पड़ेगी जेल में। तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताता है। फॉर एन इलीगल एक्ट और ओमिशन, देखिए, अगर आप कोई एक्ट करते हैं या फिर कोई ओमिशन करते हैं, तब आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाती है। एंड एक्ट एंड ओमिशन क्या क्या मतलब है। एक्ट मतलब कि जैसे कोई मर्डर, रेप, थेफ्ट, डकैती, इस तरीके की चीज़ें करना, ये एक्ट है। आपने मर्डर, किसी को मारा, किसी की हत्या करी, वो एक एक्ट है। ओमिशन क्या है, ओमिशन बहुत लोगों को नहीं पता होता, हम क्लियर करते हैं ओमिशन का क्या मतलब है। ओमिशन होता है अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो उसकी ड्यूटी है, उसको, मतलब उसका फेलियर, वो फॉलो ना करना, जो किसी भी इंसान की लीगल ड्यूटी है उसको फॉलो ना करना, मतलब उसकी ड्यूटी बनती है, उसने वो चीज़ ना करी, तो वो ओमिशन बन जाएगा। उसके लिए भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, एक्ट के लिए तो है ही है, साथ के साथ ओमिशन के लिए भी क्रिमिनल लाइबिलिटी है आईपीसी में। ओमिशन जैसे कि 187 में पब्लिक सर्वेंट, कोई ओमिशन
की सा मतलब ओमिशन की उसमें लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाती है, उसको 6 महीने की जेल होती है। एंड 221 सेक्शन में भी ओमिशन की सज़ा दी गई है। तो ये बात जान लीजिए, जो आईपीसी है सिर्फ एक्ट के लिए नहीं, ओमिशंस के लिए भी सज़ा देता है, क्रिमिनल आपको पनिशमेंट देता है। तो ये वो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर शुरू करते हैं मतलब सेक्शन 1 को। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आप बेयर एक्ट लेके बैठ जाइए आप आईपीसी का, अगर आपके पास है तो। क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एंड अगर आप बेयर एक्ट लेके बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सेक्शन 1, द एक्ट शेल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इस एक्ट को इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा, एंड इट विल अप्लाई ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कि जिस ये हर जगह अप्लाई होगा इंडिया में, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग एक, हम उसको स्टेट मानते हैं, उसको अलग एक नेशन का दर्जा देते हैं, किस आर्टिकल की वजह से, 370 आर्टिकल की वजह से उसको अलग मानते हैं। कोई भी जो इंडिया में लॉ अप्लाई होता है वो वहाँ अप्लाई नहीं होता। आईपीसी नहीं, और जितने भी लॉज हैं जैसे आरटीआई, कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमारे मतलब संविधान है या फिर कोई भी एक्ट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए वहाँ रणबीर पिनल कोड है। जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड है, हमारे इंडिया में है इंडियन पिनल कोड। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। अब आते हैं हम सेक्शन 2 पर, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो इसमें एक एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अदर्स कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन देयर ऑफ व्हिच शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो इसका क्या मतलब है, इसमें जो लिखा हुआ है नॉट अदरवाइज, उसको हटा दीजिए एक बार इस सेक्शन से, मैं आपको उसको अलग से बताऊंगा। इसमें क्या है, हर व्यक्ति मतलब हर पर्सन हर एक्ट या ओमिशन के लिए लायबल होगा, मतलब कि जिम्मेदार होगा। पहले बता दिया मैंने आपको एक्ट या फिर ओमिशन के लिए होता है, एक्ट हर व्यक्ति हर एक्ट या ओमिशन के लिए लायबल होगा, जिम्मेदार होगा, जो कि इस कोड के प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी हैं। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट, विरुद्ध, क्या समझा हमने, हर व्यक्ति हर एक्ट या फिर ओमिशन के लिए लायबल होगा जो कि इस कोड के प्रोविजन के कॉन्ट्रेरी है, वह उसे इस कोड के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी अगर उस एक्ट या ओमिशन से वह गिल्टी होता है, और वो विद इन इंडिया। देखिए क्या समझा हमने, कोई भी इंसान है वो एक्ट या ओमिशन करता है जो इस जो कोड है उसके अपोजिट है, तो वो इस कोड के अंदर पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, इसको पनिशमेंट दी जाएगी अगर वो एक्ट या ओमिशन से वो गिल्टी, वो दोषी होता है। अब एक बात, इसमें दो बात है, कोई एक्ट या अफर्मेशन कर दिया वो गिल्टी ही ना हो तो कहाँ से पनिशमेंट मिलेगी, उसका गिल्टी होना जरूरी है, मतलब दोषी प्रूव होना जरूरी है, उसका दोषी होना जरूरी है, और ये सजा उसको कहाँ मिलेगी, विद इन इंडिया। अब देखिए एवरी पर्सन का इसमें क्या मतलब है, हर पर्सन लायबल होगा मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी इस कोड के अंदर अगर कोई वो एक्ट या ओमिशन करता है जो इस कोड के कॉन्ट्रेरी है, और वो विद इन इंडिया होगा। तो इसका एवरी पर्सन का, हर व्यक्ति का क्या, एवरी पर्सन का मतलब हर व्यक्ति, और एवरी पर्सन में कौन कौन आते हैं, हर पर्सन आता है, नेशनलिटी उसकी नहीं देखी जाएगी, रैंक नहीं देखी जाएगी, स्टेटस, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ नहीं देखा जाएगा। वो इस कोड, अगर वो विद इन इंडिया क्राइम कमिट करता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, तो उसको सजा दी जाएगी। इसमें एवरी पर्सन में फॉरनर भी आएगा, अगर कोई बाहर का, जो बाहर की उसके पास नेशनलिटी है, लगा लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा यहाँ के कोई मर्डर कर दे, तो उसको इस कोड के तहत ही सजा मिलेगी। एंड विद इन इंडिया का मतलब है इसमें, विद इन इंडिया सिर्फ लैंड को नहीं बोला गया यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है रिवर, लेक्स, कैनाल, एंड ऑल्सो मैरिटाइम टेरिटरीज, इस सब कुछ, मतलब जो हमारा समुद्री हिस्सा है वो भी, जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी लेक्स हैं, सब कुछ इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया गया है। हमारे शिप, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे जो क्या कहते हैं मैरिटाइम टेरिटरी, सब कुछ इंडिया के अंदर आता है। मैरिटाइम टेरिटरी क्या होती है, मैरिटाइम टेरिटरी होती है जो पोर्शन होता है, जो बीच के साइड वाला जो पोर्शन होता है ना, बीच पे अगर आप गए हों तो साइड में आपने मतलब फोटो में भी देखा होगा, वीडियोस में, कि साइड में जो पानी ऐसे आता है, तो वो मैरिटाइम टेरिटरी होता है।
सब कुछ विद इन इंडिया इंक्लूड होता है, सिर्फ लैंड लैंड का हिस्सा नहीं आता, सब कुछ, जैसे बताया मैंने, शिप, एयरक्राफ्ट, लैंड, रिवर्स, लेक्स एंड एक्सेट्रा, सब कुछ इंडिया के अंदर आता है। तो अगर कोई फॉरनर बाहर से आकर यहाँ ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो वो इस कोड के अंदर ही लायबल होगा। जैसे इसमें केस था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें एक पाकिस्तानी सिटीज़न था, उसने हमारे इंडियन सिटीज़न से पैसे ले लिए, उसको इंड्यूस करा, उसको जैसे फोर्स सा करा, उसको फ्रॉडेंटली उसने पैसे ले लिए, हमारे इंडियन सिटीज़न एक मुंबई में था, किस वजह से पैसे दिए थे, जो मुंबई का सिटीज़न था उसने, मुंबई के सिटीज़न ने सोचा था कि वो जो कराची का सिटीज़न है, पाकिस्तान का सिटीज़न है, रहने वाला है, वो राइस दे देगा, राइस ट्रांसफ़र कर देगा इंडिया में, बट उसने पैसे दे दिए 5 लाख से ज़्यादा, जो मुंबई में जो बंदा था, जो प्लेंटिफ, जो उसने कंप्लेंट करी थी, एंड वो जो राइस है उसने, जो पाकिस्तान में सिटीज़न था, उसने कभी भेजे ही नहीं। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड में उसको पकड़ लिया गया एंड उसको इंडिया लेके आया गया। तो उसने क्या बोला है, पाकिस्तानी सिटीज़न था, उसने बोला है मैं तो इंडिया में क्राइम करा ही नहीं। कोर्ट ने क्या बोला कि इस जो तूने मतलब फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया में आया है, जो चीटिंग का केस उस पर लगा, 420 सेक्शन लगा। एंड कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, एंड कोर्ट ने कहा कि इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो इंडियन सिटीजन पर पड़ा है, मतलब इंडिया की टेरिटरी पर पड़ा है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो हमको ये भी पता चलता है, ज़रूरी नहीं वो विद इन इंडिया, ये मतलब एयरक्राफ्ट, प्राइवेट शिप या फिर किसी लैंड पे, हमारी इंडिया पे आके वो क्राइम करे, ऐसे भी हो सकता है कि जो चीज़ इंडिया पे इफेक्ट डाल रही है वो भी इंडियन पिनल कोड के अंदर ट्राई हो सकती है, उसका केस इंडियन पिनल कोड के अंदर चल सकता है। तो हो गया हमारा सेक्शन सेकेंड। सेक्शन थ्री पे आते हैं, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच में लॉ बी ट्राइड विद इन इंडिया। देखिए सेक्शन टू जो था वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, मतलब जो इंडिया के अंदर अंदर क्राइम्स हुए हैं। सेक्शन थ्री एंड फोर जो आएंगे वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब कि इंडिया के जो बाहर क्राइम्स हुए हैं, इंडिया के टेरिटरी के बाहर क्राइम हुए हैं, वो भी आईपीसी डील कर सकता है, मतलब उन क्राइम्स के लिए भी हमारे इंडियन कोर्ट्स उनको ट्राई कर सकते हैं, उन लोगों को। अब हम देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं या फिर किस किस सर्कमस्टांसिस में हम बाहर जो ऑफेंस लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं अपने कोर्ट्स के अंदर। तो ये क्या है, मतलब सेक्शन थ्री और फोर जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है। सेक्शन थ्री बोलता है, सेक्शन थ्री आप डायरेक्ट लेके बैठिए, हम बताते हैं। इसमें लिख रखा है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, मतलब कि एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया से बाहर कमिट करता है, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया से बाहर कमिट करता है, तब उसकी ट्रायल, जो उसका केस है, वो आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलेगा, वह उसको उसी अकॉर्डिंग डील किया जाएगा कि उसने वो एक्ट विद इन इंडिया किया हो, इंडिया के अंदर रह के किया गया हो, किया हो। मतलब कि अगर कोई भारतीय नागरिक कोई भी अगर कोई ऑफेंस, मतलब कि अपराध इंडिया से बाहर कमिट करता है, तब उसका केस आईपीसी के प्रावधान के अकॉर्डिंग चलेगा, वह उसको सेम मैनर से डील किया जाएगा जैसे कि वो एक्ट उसने इंडिया के टेरिटरी के अंदर विद इन इंडिया ही किया हो। कैसे, हम समझे, अब एक सोल्जर है, इंडियन आर्मी का सोल्जर है, उसने नेपाल में किसी पर्सन की हत्या, मर्डर कर दिया, तो वो लायबल होगा उसको। अब वो इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर, मतलब नेपाल में उसने क्राइम किया है, पर उसका जो प्रोसिक्यूट, उसका जो केस चलाया जा सकता है, वो इंडिया में ही चलाया जा सकता है, और इसी तरह चलाया जाएगा उसका केस, जैसे कि वो जो जो उसने क्राइम किया वो इंडिया में रहकर ही किया हो। ऐसे नहीं हम नेपाल में किया है, या फिर किसी ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में किया है तो अलग उसको सज़ा मिलेगी, वैसे ही मिलेगी जैसे कि उसने अगर इंडिया पे रह, इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहकर वो चीज़ की होती, वो क्राइम किया होता, वो ऑफेंस किया होता, सेम टू सेम सज़ा मिलेगी। सेक्शन थ्री बताता है इस बारे में। सेक्शन जो फोर है वो एक्सटेंशन है सेक्शन थ्री का, ये मान लीजिए। सेक्शन फोर क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, टेरिटोरियल मतलब जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र। तो सेक्शन फोर इस कोड के तहत
प्रोविजंस यहाँ भी अप्लाई होंगे जब कोई ऑफेंस कमिट हो इनके द्वारा। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में, मतलब इस कोड के प्रोविजन यहाँ यहाँ भी अप्लाई होंगे कि कहाँ कहाँ पे किसी इंडियन सिटीजन, किसी भी प्लेस जो इंडिया से बाहर है वहाँ वो अप्लाई होंगे। मतलब कि इसके प्रोविजन, आईपीसी के प्रोविजन, वो किसी इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर है उस पे लागू होंगे, किसी पर्सन पर, किसी भी पर्सन पर, किसी इंडियन सिटीजन में नहीं, किसी पर्सन पर जो इंडिया की शिप या एयरक्राफ्ट पर है, किसी पर्सन जो इंडिया की किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, मतलब एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, वो एयरक्राफ्ट लगा लीजिए आप अमेरिका में है एंड इंडिया की है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वहाँ कोई उस पे कोई इंग्लैंड का जो पर्सन है वहाँ उस शिप पे कोई क्राइम करता है, तो वो इंडियन पिनल लॉस के तहत उसको सजा दी जाएगी। सेक्शन जो 4 है उसका क्लॉज 3 कहता है, किसी पर्सन पर जो इंडिया में नहीं है एंड इंडिया से बाहर है, मतलब जो इंडिया से बाहर है वो टारगेट कर रहा है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को जो इंडिया में लोकेटेड है, वह टारगेट करने से ऑफेंस कमिट हो रहा है। मतलब कि कोई इंडियन पर्सन कोई भी पर्सन, कोई इंडियन पर्सन नहीं, कोई इंडियन पर्सन बाहर है वो इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, मतलब कि लगा लीजिए हैक कर रहा है कोई कंप्यूटर रिसोर्स, कोई भी कंप्यूटर डॉक हमारा लैपटॉप या फिर कोई ऐसी चीज़, एंड उस मतलब उस चीज़ से, उस एक्ट से वो ऑफेंस में तब्दील हो रही है। जैसे कि हैकिंग एक ऑफेंस है, आप साइबर क्राइम अगर आपने पढ़ा हो, मैं आपको बता देता हूँ, हैकिंग एक ऑफेंस है, साइबर क्राइम में बताया गया है, आईटी एक्ट 2000 उससे डील करता है। तो अब वो कोई भी लगा लीजिए अमेरिका में कोई इंसान बैठा है, वो हमारे इंडिया में कोई कंप्यूटर पे अटैक हैक कर रहा है, तो उसको आईपीसी की तरह मतलब ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे कि कोई हमारे इंडियन सिटीजन नहीं, इंडिया में रहकर हमारे उस कंप्यूटर रिसोर्स पर टारगेट किया है। ये नहीं है कि वो अमेरिका में है तो वहाँ से अगर उसने यहाँ मतलब हमारे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट किया है तो उसको अलग सज़ा मिलेगी, नहीं। लगा लीजिए अब पुणे में कोई हमारा कोई कंप्यूटर है, उसको मुंबई का कोई बंदा है वो हैक कर रहा है, उसको टारगेट कर रहा है, तो उसको भी सेम सज़ा मिलेगी, और कोई अमेरिका से हमारा पुणे में कोई टारगेट कर रहा है उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। ये बताया गया, जो ऑफेंस वर्ड है वही सेम टू सेम बात है, जो वर्ड ऑफेंस है उसमें इंडिया से बाहर किया गया हर एक्ट इंक्लूड है, जो अगर इंडिया में कमिट हो तो पनिशमेंट होगा। मतलब कि अगर जो ऑफेंस जो वर्ड है ना उसका सेम मीनिंग, अगर जो इंडिया में कोई चीज़ ऑफेंस है तो बाहर भी वो चीज़ ऑफेंस है, अगर उसको किसी बाहर के पर्सन ने किया है इंडिया पे जो इफेक्ट डाल रहा है, ये हो गया ऑफेंस का मतलब। जो टर्म कंप्यूटर रिसोर्स है उसका सेम मीनिंग है, जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के क्लॉज K में बताया गया, आईटी एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 क्लॉज K में बताया गया है। ये हो गया हमारा सेक्शन 4। अब सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। इसमें लॉ ऐसे कुछ प्रोविजंस या फिर लॉज बताए गए हैं जो आईपीसी पे इफेक्ट नहीं डालते, मतलब आईपीसी उन पे इफेक्ट नहीं डालता। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ये जो एक्ट है आईपीसी वो इन लॉज पर इफेक्ट नहीं। कौन कौन से लॉज हैं वो देखिए, पहले इसका हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन देख लीजिए। इस एक्ट का जो आईपीसी है या किसी भी स्पेशल या लोकल लॉज का कोई भी प्रोविजन अफेक्ट नहीं करेगा किसी सोल्जर, सेलर, नेवी मैन, एयरमैन के म्यूटिनी एंड डिजर्शन के पनिशिंग प्रोविजन को, जो ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में आते हैं। मतलब कि कोई भी आईपीसी का कोई भी प्रोविजन, कोई लोकल हो, कोई स्पेशल हो, इफेक्ट नहीं करेगा म्यूटिनी एंड डिजर्शन के केस को। किसके म्यूटिनी एंड डिजर्शन के केस को? जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में आते हैं, कौन? ऑफिसर, सोल्जर, सेलर एंड एयरमैन, इनके म्यूटिनी एंड डिजर्शन के केस को आईपीसी या कोई स्पेशल लॉ या फिर कोई लोकल लॉ इफेक्ट नहीं डालेगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो अलग है। मतलब आर्मी का अपना जो आर्मी एक्ट अलग है, नेवी का अलग है, एंड जो एयरफोर्स का एयर एक्ट अलग है, उनके अलग लॉज हैं। तो हाँ, आईपीसी जो है उन पर इफेक्ट नहीं डालेगा म्यूटिनी एंड डिसर्शन के केस में। म्यूटिनी एंड डिसर्शन क्या है? म्यूटिनी क्या होता है? रिफ्यूज टू ओबे पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब अपने जो अथॉरिटी में, जो अपने सीनियर जो अथॉरिटी में है उनकी बात ना मानना। डिसर्शन क्या होता है?
डिसर्शन, अपनी ड्यूटी से भाग जाना। डिसर्शन का मतलब है अपनी ड्यूटी से भाग जाना। आप कोई लड़ाई चल रही है वहाँ से भाग गए तो डिसर्शन है। इन जो दोनों के जो केसेस है ना, अगर किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, किसी आर्मी ने, ऑफिसर्स ने, या आर्मी एयरमैन ने, या फिर कोई ये नेवी वाले ने, तो नेवी नेवी में जो इंसान पर्सन है उसने, तो जो इस इनके जो केस चलेगा वो आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो उनका अलग एक्ट बनाया गया है, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। स्पेशल लॉ क्या होता है इसमें, स्पेशल लॉ का एक जिक्र है। स्पेशल लॉ होता है मीन्स ए लॉ अप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉज बनाना। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मानहानि पर अलग एक एक्ट बनाया गया 1971 का, शायद वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, वो अलग सब्जेक्ट है, तो वो आईपीसी के अंदर नहीं आता। अब जो ये बताया गया है म्यूटिनी एंड डिसर्शन का केस, आईपीसी के अंदर अंदर भी नहीं आता, स्पेशल लॉ के अंदर भी नहीं आता, लोकल लॉ के अंदर भी नहीं आता। लोकल लॉ क्या होता है, मीन्स ए लॉ अप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि जैसे अब दिल्ली में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट ने 10 जन 2002 में एक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, MCOC जिसको बोलते हैं, वो हमारा अडॉप्ट किया था किस लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करने के लिए। वहाँ जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या होते हैं, जैसे गैंग्स हो गए, बहुत सारे लोग जब मिलके क्राइम करते हैं उनको ऑर्गेनाइज क्राइम्स कहते हैं। तो आईपीसी जब कोई स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ होता है ना, वो आईपीसी उस पर इफेक्ट नहीं डालता। अब जो ये MCOC जो एक्ट है ना दिल्ली में, इस पर अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ ना, तो आईपीसी के अंडर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उनको उनको सज़ा मिलेगी MCOC के अंदर, जो है दिल्ली का एक्ट है, दिल्ली के अंदर ही सिर्फ। ये होते हैं हमारे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। तो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ या फिर कोई भी आईपीसी का कोई भी सेक्शन है, प्रोविज़न है, वो म्यूटिनी एंड डिसर्शन के जो केसेस हैं उन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, जो हमारे सोल्जर्स एयरमैन के हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट। तो आपको होप सो आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए। अगर आपको आईपीसी की कोई भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप, एंड सीरीज़ मैं आगे जारी रखूँगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलो बाय बाय।